दोनों के बीच एक सैयद आमिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामपुर से, एक अपडेट में उनसे भी लेना चाहता हूं। सैयद आमिर जरा आप भी बताइए रामपुर में जो ट्रेंड रहा है वोटिंग का वो क्या कहता है। देखिए रामपुर का चुनाव इतना दिलचस्प हुआ जैसी उम्मीद थी, यहाँ पर मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लिया था और यहाँ की जो स्वार सीट थी यहाँ पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और बीजेपी गठबंधन अपना दल से जो है हैदर अली उम्मीदवार थे वहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, यानी कि उन्होंने 70 का आंकड़ा भी क्रॉस कर दिया, 3 बार का रिकॉर्ड भी वापस टूटा है। तो जाहिर बात है कि चुनाव बड़ा हुआ जैसी उम्मीद थी, अब जब रिजल्ट आएगा रामपुर काफी महत्वपूर्ण सीट है, यहाँ 5 विधानसभाएं हैं और 5ों में रामपुर नगर सीट से आजम खान जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं सीतापुर जेल में बंद हैं वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा है, उनकी 60 के दाव पर लगी हुई है चूंकि 9 बार के विधायक हैं और 10वीं परीक्षा है उनकी इस बार, और बिलासपुर सीट से राज्य मंत्री बलदेव सिंह नौलख हैं उनकी भी 60 दाव पर लगी हुई है क्योंकि वो भी बड़ी सीट मानी जाती है। रामपुर की स्वार सीट के बारे में मैंने आपको बताया, तो इस तरह से रामपुर बड़ा दिलचस्प है और ज्यादातर सीटों पर सीधा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही टक्कर देखने को मिली है। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और सभी मेहमानों का भी, बहुत बहुत शुक्रिया।